उषाज किचन में आज मैं आपके सामने आम के अचार के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल आम का मौसम शुरू हो गया है। आम के सीजन में शुरू में जो आम आते हैं जिसमें की गुठली नहीं होती है, उनका कई तरह से अचार पड़ता है। इस समय मैं आपको एक हमारे यहाँ उत्तरी भारत में खाया जाता है हींग का अचार, जिसमें कि तेल नहीं पड़ता है, खाली हींग और मिर्च और नमक के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैंने ये 2 किलो आम मंगाए थे, कच्चे आम मंगाए थे बाजार से, जिनको कि मैंने छील लिया है, और इनके अंदर बस मैं एक ही या दो आम छीलूंगी तो बताऊंगी आपको कि इन आमों के अंदर जो अभी ना गुठली नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो आराम से कटने में परेशानी नहीं होती है। अब जैसे मैंने ये पतले पतले हो जाएंगे और ये सूखने में भी इनको आसानी हो जाएगी। अब इस अचार को हम लोग, इसकी हमें कई तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है, प्रोसीजर करना पड़ता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आम लिया, कच्चा आम बाजार से मंगाया, उसको धो के साफ किया यानी उसका पानी सुखाया, फिर उसको हमने छीला और छील के हमने इसकी फिर इसकी गुठली निकाली और इस तरह से हमने पतली पतली फांकों में इसको काट लिया। उसके बाद हमें किसी बड़े बर्तन में, या तो कांच का हो या स्टील का हो, इन दो तरह के बर्तनों में ही डाला जाता है। और ये हमने सारी इसकी फांके कर ली हैं। अभी आखिरी बची है। ये अचार ना बहुत ही टेस्टी होता है और पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि इसमें नमक और हींग का ही मेन रोल होता है, बाकी तेल बिल्कुल नहीं पड़ता है इसमें। अभी हमने सारे आम काट लिए हैं और इनकी सारी जो गुठली थी वो हमने निकाल दी है। अब इन आमों को हम एक बड़े बर्तन में, यानी कि हमने भगोने में, एक स्टील के भगोने में डाल लेना है सारा आम इस तरह से। इसमें जितना सारा आम आ जाएगा, अगर इसमें सारा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में डाल देंगे, क्योंकि मैंने ये 2.5 किलो आम मंगाए थे मार्केट से और 2.5 किलो में इसका छिलका भी निकल जाता है और सूख की भी कम हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये अभी हमारा इस भगोने में आ गया है। इस भगोने में आने के बाद हमें अभी इसमें सिर्फ नमक डालना होता है और नमक डालने के बाद इसमें ये अंदाज से है, ऐसा कुछ नहीं कि हम कितना नमक डाल रहे हैं, क्योंकि इसका जब हम इसे डाल के नमक को अगर इस तरह हिला के रख देंगे, इसे ऐसे करके हमें हिलाना है ये। अब हम इसे डाल के रख देंगे, फिर जैसे जैसे आप सुबह को हिला दीजिए। हेलो व्यूअर्स, ये मैंने आम को 3 बार में इसे हिलाया था 5-5 घंटे बाद, और इसका देखिए कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल येलो कलर का हो गया है और इसमें पानी भी काफी निकल आया है। यानी 15 से 20 घंटे मैंने इसको रखा था, 24 घंटे हो गए इसको। अब ये इसको मैंने 4 या 5 बार इसको मैंने हिलाया था, अब ये इस कलर का हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है। अब इसको हम छान लेंगे बारीक कपड़े में करके, इसको इस तरह से बारीक कपड़ा मैंने इसमें बांध लिया है। इसको इसे हम उल्टा कर देंगे, जो भी पानी होगा इसमें वो इसमें निकल आएगा। देखिए इस तरह से ये निकल रहा है। अब इसको हमने छान लिया है और थोड़ी देर इसको इसमें ऐसे ही रखे रहेंगे जब तक इसमें से पानी टपकना बंद ना हो जाए। अभी टपक रहा है पानी, ये पानी इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में अचार बनेगा हमारा। ये जो आम का अचार का जो पानी बचा है नीचे, आम का जो पानी छोड़ा हुआ है, इस पानी में ही अचार डलेगा, तो इसलिए इसे पहले हमें पानी इसका निकालना है और फिर इसको हमें धूप में डालना है। धूप में रखने से इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा, जो हमारे आम की फांकों में आया है वो बिल्कुल सूख जाएगा। हेलो व्यूअर्स,
देखिए मैंने आपसे कल बताया था, जो अचार मैंने कल छान के आपको दिखाया था कि आम की फाकों को मैंने छान के कपड़े में बांध के इसका आधा घंटे उसको पानी में लटके रहने दिया था भगोने में, उसका सारा पानी निकल गया था। फिर इनको मैंने धूप में रखा था। धूप में रखने के बाद सुबह 11 बजे रखने के बाद मैंने शाम को 5 बजे उठाया था, तो ये हमारी आमी इस तरह से हो गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट धूप थी लॉन में, मैंने रख दिया था। अब ये इतना सूख गया है कि हमारे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो ये अचार को हमारे खराब नहीं करेगा। अगर हमारा इससे हाथ भीग जाता तो समझते कि हाँ ये हमारी उंगली भीग गई है और इसमें भी पानी है और ये हमें अचार को खराब कर देगा। इस तरह से ये हमारी सारी आमी की जो फाके थी वो सूख के इतनी हो गई है। ये 2.5 किलो आमी थी मेरी और इतना उसका ये जो गूदा बना है ये बना है। अब हमारा ये अचार डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस इसकी यही पहचान है कि सॉफ्ट है, बिल्कुल दबा दो इसको सब मुड़ जाती है। बस ऊपर की परत जो है छिलके वाली वही टाइट है, बस ये मुड़ गई है और ये हमारे हाथ में बिल्कुल गीलापन नहीं आया है। यही इसकी निशानी है कि हमारा अचार के लिए आम तैयार है। अब मैंने जो नेक्स्ट था उस भगोने में जो मैंने कल पानी छाना था उसमें मैं गलती से मिर्च डाल गई, ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनाना है, तो ये जो अचार का पानी था इतना बचा था बस इतना। इसमें मैंने 1 चम्मच ये देगी मिर्च है मेरे यहाँ जो मैं अपने घर में ही पीसती हूँ मिक्सी से, तो ये मैंने 1 चम्मच मिर्च डाली है, काफी तीखी होती है और हल्का सा चटपटा करने के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच मिर्च डाली है इसमें। और मैं एक चीज और डालती हूँ इसमें, चीनी डालती हूँ जो खट्टा मीठा बनता है। हिंग का अचार बहुत टेस्टी बनता है, उसे चाहे आप चटनी में डालें चाहे दाल में डालें, एक अलग टेस्ट आता है। ये मैंने आधी कटोरी ही चीनी ली है, बस आधी से भी कम है थोड़ी ये चीनी डाली है इसमें, जो कि इसमें पड़ी हुई है नीचे, ये आपको दिखाई दे रही होगी शायद, ये नीचे पड़ी हुई है। अब इसमें डालने के बाद हमें, अब इसमें एक चीज मेन जो है वो हींग है। हींग अपने आप अच्छी किसी कंपनी की ले लीजिए, ज्यादातर तो वो बहुत मिलावट आती है, बस इतनी ही डालनी है हमें। मैं समझती हूँ आपको दिख रही होगी, इतनी ही डाली है मैंने। इसका भी काफी फ्लेवर, इतना तेज तीखी है ये, मतलब तेज है हींग, तो मैंने ये डाली हुई है इसमें डाल दी है। आधी चम्मच डालेंगे तो बहुत ज्यादा कड़वी हो जाएगी, बनफूट डाली है। अब इसको मैंने इसे चम्मच से घुमा दिया है। अब इसी में हम ये आमियों को डाल देंगे ऐसे करके, क्योंकि काफी इसके हिसाब से पानी के हिसाब से हमारी आमी ज्यादा नहीं है। लास्ट ईयर तो बहुत पानी निकल आया था, इस बार कम निकला है आमियों में आमी। अभी हम इसे अच्छे से घुमा देंगे, ये हमने अच्छे से घुमा दिया है इन्हें। और बिल्कुल इस तरह से घुमाना है कि जैसे हर जो आम की फाक है उसमें ये मसाला लग जाए इसका। मैंने मिर्च का अचार भी डाला हुआ है, ऐसे इंस्टेंट अचार डाला हुआ है जो आप लोग खाएंगे, बहुत टेस्टी है वो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसे आप देखिएगा, वो भी बहुत है। उसमें भी इसी तरह से मसाला लगाया जाता है, बस ये है कि मेन ये कि इसमें मसाला पूरे में लग जाए। और इसको भर के हम बर्नी में रख देंगे और रोजाना इसको हिलाना जरूर है, जो अपने आप ही फूलने लगेगा ये गल जाएगा। इसी से जो चीनी है यही पानी छोड़ेगी और नमक वगैरह जो है ये सब इसमें फूल जाएगा, सब पानी से मर्ज हो जाता है और ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी मैं इसमें करके और एक दो दिन अभी भगोने में ही रहने दूंगी, 1-2 दिन चलाऊंगी इसे और उसके बाद इसको कांच की बर्नी में पैक कर दूंगी। अभी इसे मैंने घुमा दिया है और जिसमें जो चीनी है वो एकदम अपने आप आराम से 2-1-2 दिन में गल जाएगी इसी के साथ। तो हम इसको इसी तरह से भगोने में रख रहने देंगे, 2 दिन रखूंगी मैं सिर्फ और फिर मैं इसे बर्नी में भर दूंगी। आप देखिएगा, बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी अचार है, इसको हम किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ वीडियो की वजह से बनाया हुआ है अचार, अभी इतना ही और अचार बनाऊंगी, कम हुआ है अभी ये। अगर आपको ये अचार बहुत अच्छा लगे, टेस्टी लगे, तो आप बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में करके कि कहीं कैसा बना था, आपको अच्छा लगा था या नहीं लगा, जैसा भी होगा प्लीज बताइएगा।
और मेरे चैनल उषाज किचन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ मुखातिब हो सकूं और आपको नए नए वीडियोस बना के दूं अपने किचन से, जो कि मेरे को लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलती है कि बहुत अच्छा बनाया है। तो प्लीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।